Oh my god. चलिए दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो एंड टुडे वी हैव सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा विद अस। जी हाँ, आज करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों मैं सीरियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दैट एस पेन। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो एस पेन है बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। नेचुरली जैसे आप हाथ से लिखते हो या फिर पेंसिल से लिखते हो वैसे ही लगता है एस पेन के साथ लिखना। सो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दिस, बट बिफोर दैट लेट्स ओपन द बॉक्स। वैसे आपको बता दूं दिस इज मेड फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया। जी हाँ, हम हमेशा बताते हैं आपको। एंड हियर इज द फोन, देयर इज नो प्लास्टिक, देयर इज नो वो दिखाएंगे आपको। वैसे लेट्स रिमूव दिस, क्या है इसके अंदर। ऑलराइट, यू हैव सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्टिंगली केस नहीं है दोस्तों। 25 वॉट फास्ट चार्जर, जी हाँ 25 वॉट है इसमें। इसमें क्या है, जी हाँ दिस इज ऑब्वियसली द USB टाइप C केबल एंड something very nice earphones. जी हाँ these are USB type C 3.5mm jack वाले नहीं है, these are earphones, so very nice। वैसे दोस्तों extra tips भी आते हैं। चलो दोस्तों let's keep everything aside, अब देखते हैं फोन के पास। and this gives you a very very different feel in hand दोस्तों। look at this color, mystic bronze। जी हाँ matte है, it's not glossy, matte है and it looks very different। I don't know camera justice कर रहा है कि नहीं इस color को, but it's a very very different color and this is a big phone। yes, right off the bat दोस्तों आपको बताता हूं इसका जो camera module है ये देखिए कितना ऊपर आया हुआ है। look at this दोस्तों, ये जो फोन है जैसे मैंने बताया बहुत ही अलग फील है, अच्छा फील है। अगर आपके हाथ बड़े हैं दोस्तों you are going to love holding this phone। कर्व्स वगैरह जो है साइड में एंड जो फिनिश है सीरियसली आई मीन इट इज ब्रिलियंट। और हाँ दोस्तों दिस इज नॉट लाइक योर नॉर्मल फोन, जो कर्व्स जनरली होते हैं साइड्स में कॉर्नर्स में आप देखते हो वैसे नहीं है, इट इज क्वाइट बॉक्सी। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, केस नहीं आती है बट दिस इज बिल्ड एक्सट्रीमली वेल। इनफैक्ट जो ग्लास है वो लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, विच दे क्लेम टू बी ट्वाइस एज हार्ड एज द प्रीवियस जनरेशन। इनफैक्ट विदाउट केस पहली बार ये फोन मैं गिराने वाला हूँ एंड इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फोन। लेट्स डू इट। ओ माय गॉड, नथिंग but not to check the minute subtleties between different types of glass। my goodness, capable of specifically analyzing that section। I had a heart in my mouth lekin I am pretty sure about this glass दोस्तों, अच्छी glass है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं इसकी जो frame है that is completely metal and that is also bronze, shiny bronze and that combination matte and जो shiny है that really looks good। चलिए दोस्तों आप देखते हैं ports and buttons की तरफ। नीचे की तरफ आपको मिलता है microphone, USB टाइप सी, स्पीकर ग्रिल एंड दैट एस पेन। जी हाँ एस पेन का जो है वो है ऑन द राइट हैंड साइड। इनफैक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ यू हैव सिम कार्ड ट्रे एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। ऑन द राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। और दोस्तों जो सिम कार्ड ट्रे है दैट इज वो, इट हैज अ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट। जी हाँ ये हाइब्रिड कार्ड स्लॉट है लेकिन ई सिम का भी सपोर्ट है दोस्तों इसमें। इसका मतलब 1 ई सिम, 1 नैनो सिम एंड एसडी कार्ड स्लॉट। वाव दैट इज गुड। अक्सर दोस्तों फ्लैगशिप लेवल के फोन्स में आपको सिर्फ 2 सिम ही मिलते हैं, एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, बट दिस वन हैज इट। वैसे क्विकली दोस्तों वेट बता दूं इसका, आई थिंक इट इज अबाउट 205 ग्राम्स। लेट मी टेस्ट इट आउट। यस 208 ग्राम्स। चलिए दोस्तों देख लिया सब कुछ बाहर से, अब खोलते हैं फोन को। खोलते तो नहीं है, चालू करते हैं। खोलेंगे कैसे? लेट्स स्टार्ट द फोन। Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G। वैसे दोस्तों जब तक फोन चालू हो जाता है, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए, अच्छी नहीं लगती है नो प्रॉब्लम, कमेंट जरूर कीजिएगा एक घंटे के अंदर, यू नो व्हाट हैपेंस। वो दोस्तों लुक एट दैट डिस्प्ले, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गॉर्जियस आई विल से सीरियसली। और वो जो बॉक्सी फील है उसकी वजह से साइड्स जो है कॉर्नर, शार्प कॉर्नर दिखते हैं, बहुत ही अलग फील है इस डिस्प्ले का, इस फोन का। लाइक आई सेड इट इज स्क्वेरिश बट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इट शुड बी अमेजिंग। नीचे साइड में ऊपर की तरफ जो बेजल्स हैं दे आर नियरली नॉन एग्जिस्टेंट, चिन भी दोस्तों बहुत ही पतली है। दोस्तों अगर स्क्रीन के बारे में बात करूं, इट इज अ बिग ह्यूज 6.9 इंच 2K प्लस QHD प्लस स्क्रीन आती है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, दिस इज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट। और साथ में दोस्तों आपको जो एमोलेड मिलता है दैट इज सेकेंड जनरेशन डायनामिक एमोलेड। ओवरऑल This is an excellent screen, one of the best I have seen and the biggest। और दोस्तों अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, पीक ब्राइटनेस इसका 1500 निट्स है, आई मीन दैट्स क्रेजी ब्राइट। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दिस कम्स ऑन Exynos 990, एक ही वेरिएंट है दोस्तों, 12GB रैम 256GB स्टोरेज का, 4500 mAh की बैटरी आती है विथ 25W फास्ट चार्जिंग। अगर स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं तो UFS 3.0 आता है एंड रैम टाइप इज LPDDR5। OS के बारे में बात करूं तो दिस इज द लेटेस्ट One UI 2.5 विच इज बेस्ड ऑन Android 10। जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पैच भी मिलता है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों ज्यादा ब्लोटवेयर वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ऑब्वियसली फ्लैगशिप लेवल का है, बट कुछ अच्छे यूजफुल एप्स है जैसे ऑफिस वगैरह जो आप वर्ड, एक्सेल वगैरह है वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इसके ऊपर। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्विकली बाकी सब छोटे छोटे फीचर्स की, छोटे नहीं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें 5G आता है, यस इट इज अ 5G फोन एंड डेडिकेटेड स्टोरेज के लिए SD कार्ड स्लॉट भी है, ई सिम है, नैनो सिम है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, NFC आता है इसमें, ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई 6 है। इसका मतलब दोस्तों फास्टेस्ट अवेलेबल अभी जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है वो आपको मिलते हैं इस फोन में। और हाँ दोस्तों IP68 का भी सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब बारिश में वगैरह थोड़ा पानी वगैरह गिर गया या फिर ये पानी में गिर गया थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Widevine L1 है फॉर HD नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग वगैरह आपको करना है तो कर पाओगे, कैमरा टू API का सपोर्ट है एंड जो SAR वैल्यू है इट इज विद इन लिमिट्स। और हाँ दोस्तों इसमें 25W नॉर्मल फास्ट चार्जिंग आता है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, उतना ही नहीं रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी आप कर सकते हो, जी हाँ वो जो बड्स लाइव है इसके ऊपर रख दिए वो चार्ज हो जाएंगे। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है दोस्तों एंड इट वर्क्स क्वाइट वेल, इट इज फास्ट। जी हाँ एनिमेशंस की वजह से थोड़ा ऐसे लगता है कि डिले है बट इट इज वेरी वेरी फास्ट एंड फेस अनलॉक भी आता है विच वर्क्स वेरी वेल। दोस्तों अगर आप आपके फोन के ऊपर मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट आउट देयर। इतनी अच्छी 2K स्क्रीन आपको मिलती है, ब्राइट स्क्रीन, मतलब सनलाइट में भी आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय। ऐसे लगेगा ही नहीं कि ब्राइट सनलाइट में हो, क्लियरली कलर्स वगैरह दिखते हैं, पंची कलर्स दिखते हैं, ब्लैक्स और ब्लैक्स, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज ग्रेट। और अगर ऑडियो के बारे में बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं विद डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, सो अगेन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज रियली आई लव इट। लेकिन दोस्तों मल्टीमीडिया ठीक है, लेकिन नोट बायर्स जो है, जो नोट के फैंस हैं, दे बाय नोट फॉर वन थिंग एंड दैट इज यस दिस S Pen। दोस्तों ये S Pen जो है इट इज मच इम्प्रूव वन। इनफैक्ट मैं कुछ देर तक इसे इस्तेमाल कर रहा था एंड मैंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हुए हैं, एप्पल की पेंसिल इस्तेमाल की हुई है, दूसरे सैमसंग टैब पे भी इस्तेमाल किया, बट दिस एक्सपीरियंस इट रियली फील्स एज इफ यू आर राइटिंग नेचुरली, मतलब आप पेंसिल से, नॉर्मल पेंसिल से जैसे लिखते हो वैसे ही है। क्यों? क्योंकि 9 मिलीसेकेंड्स का लैग टाइम है सिर्फ, इसका मतलब जब आप टच करते हो और कुछ भी लिखते हो देयर इज ओनली 9 मिलीसेकेंड्स लैग विच इज नथिंग, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लग रहा है कि इट इज हैपनिंग लाइव। सो ब्यूटीफुल S Pen एक्सपीरियंस स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग। पेश है नई LML CRD सुपर डीलक्स, जिसमें है एलॉय व्हील्स, डबल कुशन सस्पेंशन और वो सब जो आपने चाहा।